तो भाई लोगों, यार आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि देहरादून की पूरी रोडें बन रही है, और खासकर मसूरी रोड। तो भाई राइडरों को तो मजे आने वाले हैं अब लीन वगैरह में, और हम भी अभी देखते हैं। अभी तो ओल्ड मसूरी रोड बन रही है, क्या पता मेन मसूरी रोड भी बन गई हो। तो भाई मसूरी साइड जा रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है आज, पिछले एक महीने, क्योंकि भाई तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार वगैरह डेंगू वगैरह चल रहा था, तो क्या बताया, बस हालत टाइट थी। तो इस चक्कर से राइड भी नहीं हो पा रही थी। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे लंबा जाने के लिए, मैंने पिछले आपको व्लॉग में भी कहा था, पर तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि जाने का टाइम ही नहीं मिला, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगते रहे। और आज वक्त निकाल के थोड़ा सा, शाम के टाइम 3 बज रहे हैं, तब हम जा रहे हैं आज ऊपर की तरफ। थोड़ा मैंने कहा एक शॉर्ट स्पिन राइड भी हो जाएगी, एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए, और ड्रोन वगैरह का भी सीन हो गया था हमारा, उसका भी सीन आपको ढंग से समझाऊंगा कहीं बैठ के। वैसे मैंने एक कंटेंट वीडियो पूरी उसकी बना रखी है, पर मैं सोच रहा हूँ वो डालूँ कि ना डालूँ, क्योंकि अभी कुछ सीन हो चुके हैं देहरादून में कि दशहरे वाले दिन लोगों ने परेड ग्राउंड में 7-8 ड्रोन उड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ़ सब कार्रवाई हो चुकी है, एक दो खिलाफ़ मुकदमा हो गया, एक को जेल में भेज दिया शायद से। और हमारे साथ तो हरिद्वार में हुआ था ये सीन, पर मैं सोच रहा हूँ डालूँ कि ना डालूँ, चलो वो तो अभी सोचते हैं। पर अभी का व्लॉग आप इन्जॉय करो, और ये देख सकते हो छपरी कैसे घूम रहे हैं 390 ले के, हदी मचा रखे, बेइज्जती कर रखी भाई, एक ATM तो बदनाम हो गई भाई, और गाड़ी ऐसी हो गई है अपनी तबाही, क्योंकि इसमें भी खर्चा कर दिया है पूरा 15-20 हज़ार रुपये का। और ये देखो रोड बन गई है नहीं, पर अभी इसमें भगाने का मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए क्योंकि अभी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उस चक्कर से गाड़ी थोड़ी लीन वगैरह में दिक्कत कर सकती है। अभी इसमें एक बार अगर हवा एयर लेगी ना हवा, तब जाके थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये टाइम से लॉन्ग राइड करने का मन कर रहा है, पर शॉर्ट स्पिन का बिल्कुल मन भी नहीं था, आज भी नहीं हो रहा, वो तो घर में बैठ के थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो यार आज चल ही लेते हैं, और ख़ासकर मसूरी आने का तो टाइम मन ही नहीं करता। एक खुशखबरी और दे देता हूँ आपको कि थोड़ा प्लान में आ चुका है चेंज, क्योंकि ऊपर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सागर भाई का भी, मेरा भी, क्योंकि थोड़ी रोड की हालत भी ऐसी हो रही है। तो हमने सोचा अब चलते हैं हाईवे राइड पे, अभी जा रहे हैं मेमोरी कार्ड परचेस करते हैं, जो कि ड्रोन के लिए लेना है, क्योंकि एक सीन हुआ था जिसमें मेमोरी कार्ड जब्त हो रखे हैं मेरे, दोनों कैमरे भी जब्त हो गए थे, वो तो हमने किसी तरह छुटवा लिए थे। देखते हैं, पहले चलते हैं मार्केट, फिर यार फाइनली हाईवे पर पहुँच चुके हैं, अब जाके थोड़ा मन सही सा हुआ है मेरा। वैसे भी मन तो अभी भी नहीं हो रहा है राइड करने का, और ना व्लॉग शूट करने का मन कर रहा है बिल्कुल, मतलब अंदर से अजीब सा मन हो रहा है, जैसे वो डकार से नहीं आती कड़वी कड़वी एसिडिटी बन रही है। तो देखते हैं, अभी गाड़ी तो एकदम गदर चल रही है, बने रहो व्लॉग में। और यहाँ पर अभी मिश्रा जी का एक सीन देखना, तुम भाई की गाड़ी हो जाएगी स्लो, क्योंकि स्पीड कैमरे से भाई की इतनी फटती है, पता नहीं मेरा तो आज तक चलान नहीं है, मैंने कितने व्लॉग में बता दिया होगा, पर भाई तभी भी स्पीड स्लो कर ही लेगा भाई, अब दिखा दिया रूप अपना, स्लो कर ली हल्के हल्के। आए वाला के अंदर और वहाँ खाएंगे टेस्टी मोमोज, जो कि पूरे देहरादून में नहीं देखे मैंने ऐसे मोमोज जैसे वहाँ मिलते हैं भाई, टेस्टी अलग है। तो बने रहो व्लॉग में, और थोड़ा अब हाईवे के व्यू इन्जॉय करो, और जब तक हम गाड़ी का पेट्रोल फिलअप करा लेते हैं। इसमें मैंने तो फिलअप करा लिया है, और करवा रहे हैं हम सारा घर भाई फिलअप, पर मैंने रिलायंस का ये देखा काफ़ी स्मार्ट है यार इनका पेट्रोल पंप वगैरह, और ये उत्तरा देहरादून के अंदर एक आधा ही है, हाईवे पे ये है, सिटी के अंदर तो मुझे है ही नहीं अभी रिलायंस। और काफ़ी भीड़ वगैरह भी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटीज़ है काफ़ी सही है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम रायवाला के लिए, और हाईवे का व्यू इन्जॉय करना, थोड़ा ड्रोन वगैरह भी उड़ाएंगे, अभी थोड़ा ड्रोन वगैरह की कहानी भी बताऊंगा आपको एक जगह बैठ के। तो अभी निकलते हैं फाइनली यहाँ से। ऐसा चला रहा भाई बहन जो खड़े होके गाड़ी ऐसी बबलिंग हुई मिश्रा की, भाई जी अगर हल्का सा कुछ होता ना तो मिश्रा तो उड़ गया था आज, मिश्रा की हो गई थी फुर्ती, मिश्रा को हो क्या गया भाई आज, पागली हो गया मिश्रा तो। चलती नहीं देखो, ट्रैक्टर वाला ये गांड मराएगा अपनी ऐसी जगह, ध्यान से टन, जहाँ से मोड़ने का वो रहेगा ना वहाँ से नहीं टन लेंगे मादर चोद, ये भोसड़ी वाले मरने वाले काम करवाएंगे।
पर मिश्रा मिश्रा है मिश्रा बहन चुत क्या रहा है इसकी माँ का बहन चुत गाड़ी भगा रहेगा पर भाई एंडेवर वाला ने पिकअप खींच रखा है जो बोलो। ये पहले ओल्ड रोड ये हुआ करता था देखो नीचे अभी दिखा था छोटा सा मेरे को पर ये कॉरिडोर बना दिया है राजा जी नेशनल पार्क और ये फ्लाईओवर कर दिया है सीधा। वैसे ये चीज़ मेरे को सबसे सही लगी और मिश्रा को देखो ना वैन चंडीगढ़ वाले के गाड़ी मार के रहेगा मतलब भगा रखी है भाई ने अल्टीमेट कह रहा है इसे तो आगे जाने नहीं दूंगा मैं पर भाई टैना टूनर होती तो मैं गाड़ी फाट देता पर ये भी कम नहीं है एंडेवर इसमें जमीन आसमान खर का फ़र्क है वैसे वो भाई 3200 cc 197 bhp प्रोड्यूस करती है एंडेवर ये साला 400 cc और 40 bhp भी प्रोड्यूस नहीं करती तो ये टक्कर दे रही इतना बहुत है पर बाइक से कोई नहीं जीत सकता चाहे कोई सी भी गाड़ी लिया हो आप ट्रैफिक में फंसा रह जाओगे। ये पूरा देहरादून का पानी यहाँ जाता है भाई रिस्परा बिंदाल सोंग जाखन मतलब बहुत नदियों का पानी जा रहा है गंगा जी में